दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023। दोस्त आपके बीच में लगातार डीएलएड 2023 के संदर्भ में संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है। मेरे कहने का सेंस आप समझिएगा, आपके बीच में कोई भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, आप मुझे रूबरू करा रहे हैं और हम आपकी समस्याओं या कहा जाए सारी समस्याओं को निदान करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं आपके बीच में कुछ कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहे थे, उस कन्फ्यूजन्स को लेके आज का यह वीडियो आपके बीच में जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आप सभी को समझ में आएंगी। देखिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ, डीएलएड के संदर्भ में अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो प्लीज़ आपके बीच में नंबर दिया जा रहा है 94 52 33 10 53। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप उसमें ऐड हो जाइए और आपकी सारी समस्याओं का निदान जो है उस ग्रुप में मिलता रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि भैया आप खुद ऐड कर दीजिए, मैं क्षमा चाहूंगा अगर एक एक लोगों को मैं ऐड करूंगा तो बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं कि आप मुझे ऐड कर दीजिए, मैं यह नहीं कर पाऊंगा। आपके पास मैंने लिंक दे दिया है, सारी सुविधाएं आपके पास मौजूद हैं, आप खुद ब खुद जो है ऐड हो जाइए, कोई आपत्ति मुझे नहीं है। बहरहाल ये चीजें आपको पता है, अगर आप मेरे साथ लगातार लगे हुए हैं, जो लोग ऐड हो चुके हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपको पता है आपके साथ हम किस तरह से पेश आ रहे हैं, ठीक है। बहरहाल हम ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए आपके जो कन्फ्यूजन्स हो रहे थे उसे हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए कहा जा रहा है सचिव जी से मिला आश्वासन, वेबसाइट में सुधार कार्य जारी। जैसा कि आप सभी को पता है आपका जो आवेदन की तिथि थी वो एक बार फिर से संशोधित की गई है, यानी कहा जाए वेबसाइट में संशोधन कार्य किया गया है और आप सभी कह रहे थे कि भैया वेबसाइट नहीं चल रही है, तो ऐसे में आपकी वेबसाइट तो चली लेकिन जो है कहीं ना कहीं उसमें कुछ और त्रुटियाँ उत्पन्न हो रहे हैं। लगातार आपके कमेंट आ रहे हैं कि भैया वेबसाइट नहीं चल रही है, क्या है, कैसे है, इस तरह की चीजें हमेशा आपके बीच में अनवरत आ रही हैं। अच्छा यहां देख पा रहे हैं, अभी इस पर हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे। और यहां कहा जा रहा है कॉलेज को लॉक कैसे करें कि डायट ही मिले। देखिए आपके बीच में ये सबसे विकट समस्याएं हैं कि हम कॉलेज को किस प्रकार से लॉक करें कि हमें डायट ही मिले, ठीक है। ये प्रबल इच्छाएं होती हैं, चाहे आप बीएड के स्टूडेंट हों चाहे आप बीटीसी सिर्फ करने जा रहे हैं, ठीक है, सबकी प्रबल इच्छाएं होती हैं कि हम डाइट से ही करें। डाइट में सबका होता है गवर्नमेंट, कुछ लोग कह रहे हैं भैया का इसमें एडेड कॉलेज होता है, नहीं, बीएड के तर्ज पर इसमें एडेड कॉलेज नहीं होता, सिर्फ इसमें गवर्नमेंट के नाम पर डाइट कॉलेज ही होता है, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अभी इस पर भी चर्चा होगी। रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थी परेशान, आवेदन कैसे करें। अभी भी बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो अपने फाइनल ईयर के परीक्षा परिणाम को घोषित नहीं किए, यह यार एक विकट समस्या है, उन्हें जो है इसके बारे में सोचना चाहिए कि आखिरकार अभ्यर्थी आगे की अपनी पढ़ाई किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। हर कोर्सेज के एक लिमिट समय होता है, जैसे डीएलएड की ही अगर हम बात करें तो अब तक तो इसका काम तमाम हो गया होता, ठीक है, लेकिन आवेदन कम आने की वजह से बार बार आपकी डेट को बढ़ाया गया, फाइनली आज अपने चरम सीमा पर चल रहा है, यानी अब इसमें डेट में संशोधन होने के चांसेस नहीं है। अभी इस पर भी चर्चा होगी। गेस मार्किंग वालों का फॉर्म होगा रिजेक्ट, यह एक ट्रेंडिंग का मुद्दा बन चुका है कि जो लोग गेस करके मार्किंग कर दिए हैं, क्या आवेदन की डेट फिर से बढ़ेगी। काउंसलिंग के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं। 230 और 240 मेरिट वालों को क्या डाइट मिल जाएगा। और यहाँ 10,000 का पेमेंट कब करना है। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूँ संजय, आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूँगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले यहाँ आप देख पा रहे हैं आपके बीच में जो ट्रेंडिंग का मुद्दा चल रहा है, सचिव जी से मिला आश्वासन, जैसा कि मैंने कल शाम को जब वीडियो प्रोवाइड किया और एक वीडियो मैंने सुबह आपको दिया, ठीक है, उसमें मैंने आपसे बताया कि आज आपकी समस्याओं को लेकर पीएनपी जाया जाएगा। पीएनपी जाते जाते एक हैबिट बन चुकी है, वहां के सारे लोग इतने परिचित हो गए हैं कि बिल्कुल जो है आसानी से सारी चीजें पता चल जाती हैं, ठीक है।
लेकिन अब जो अंदरूनी बातें होती भैया, हम इतने खास उनके नहीं हैं कि जो एकदम अंदरूनी बात को हमसे शेयर कर देंगे। हालांकि ये चीज़ें शेयर करने वाली हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से आश्वासन ये मिला जब हम लोग PNP गए, हालांकि ज्ञापन भी सौंपा गया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसके लिए NIC को जो है प्रेषित कर दिया गया है या सूचित कर दिया गया है, वेबसाइट में संशोधन कार्य बहुत जल्द से जल्द हो जाएगा। वैसे इनकी बातों पर मुझे थोड़ा सा विश्वास कम होता है। इनकी जब इसके पहले हम लोगों ने संघर्ष किया था वेबसाइट के लिए, जब आप कह रहे थे कि भैया वेबसाइट नहीं चल रही है, इसके लिए कुछ किया जाए, तो हम लोगों ने एक बार फिर से प्रयास किया था कि वेबसाइट आपकी चलने लगे, लेकिन यार इन्होंने इनकी वेबसाइट तब वो नहीं चली, ठीक है। तो फिर भी मैं कहना चाहूँगा, इन्होंने तो कहा है कि सुधार कार्य इसमें जो है लगातार जारी है, लेकिन जिनके आवेदन नहीं हुए हैं उनके लिए मैं खास कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इनके वेबसाइट में संशोधन का इंतज़ार नहीं करेंगे, ठीक है। मैं बार बार हर वीडियो में इस बात का जिक्र करता हूँ कि जो लोग सोच रहे हैं कि चलिए जब वेबसाइट अच्छी, आज 25 तारीख हो ही गई, जो लोग सोच रहे हैं कि चलिए वेबसाइट जब हमारी अच्छी खासी चलने लगेगी तब जाके हम आवेदन कर देंगे, और अगर आप इसके चक्कर में पड़े तो यह मान कर चलिएगा कि आपका जो आवेदन है वो छूट जाएगा। इसलिए कतई इस चीज को लेकर आप परेशान मत होइएगा कि हम इंतजार करें वेबसाइट चलने लगे। मैंने आपसे कहा है अगर आपका आवेदन नहीं हो रहा है तो आप जो है, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं, आप ग्रुप में उठिए जब रात में, मैंने कहा आपसे अगर वेबसाइट दिन भर नहीं चल रही तो आप छोड़ दीजिए, मत करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप 2:30 बजे 3 बजे 4 बजे रात को आप अपना आवेदन करिए और ग्रुप में उठकर देखिए कितने लोग मैसेज करते रहते हैं कि महोदय आज मेरा फॉर्म हो गया, वो आभार जताते हैं। बहरहाल मुझे आभार जताने की जरूरत नहीं, आप मुझसे मत कहिए, लेकिन कम से कम जो आपका उद्देश्य है फॉर्म को फिल करना, आप फॉर्म को फिल कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो यार एक साल आपका ड्रॉप चला जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, एक दिन नींद आपको खराब करना है, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, ठीक है। हाँ, हो सकता है थोड़ी सी समस्याएं आपको देखने को मिले वेबसाइट इत्यादि को लेकर, लेकिन ये सारी चीज़ों को आप नज़रअंदाज करिए, ठीक है। थोड़ा सा परिश्रम करिए, उठ जाइए, जो है आप आवेदन कर दीजिए। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि 2:30 बजे रात को उठिए। अब ऐसा है लोग नहीं उठना चाह रहे हैं, जिनके पास सिस्टम नहीं भाई, उनके पास तो मजबूरी है, वो कहां से करेंगे, लेकिन फिर भी जिनके पास होगा जो है वो लोग एक दूसरे का सहयोग करें, आप आवेदन कर दें, अन्यथा की स्थिति में आप उसके जिम्मेदार खुद होंगे, ठीक है। 2:30 बजे रात आप ध्यान रखिएगा। अब यहां आप कह रहे थे कि कॉलेज को लॉक कैसे करें कि डाइट मिले। देखिए, अगर आपको सिर्फ डाइट से ही करना है, खासतौर पर ध्यान रखिएगा कि मैं मानकर चलता हूं कि आपको सिर्फ डाइट कॉलेज से ही डीएलएड करना है, तो आप सिर्फ डाइट कॉलेज को ही प्रेफर करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम जो है 5 कॉलेज डायट को लॉक कर दें और 2 कॉलेज प्राइवेट को लॉक कर दें। मैं मानकर चलता हूं कि अगर आपके मेरे डायट के लायक नहीं होंगे तो फटाक से आपको प्राइवेट वाला अलॉट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप इसके चक्कर में मत पड़िएगा कि हम जो है 10 डायट लॉक कर दे रहे हैं, उसी में 1-2 चलिए प्राइवेट वो कर देंगे, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, अगर आपको सिर्फ डाइट चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ आप डाइट को प्रेफर करिएगा। ऐसा नहीं कि अगर आपको डाइट नहीं मिला, जैसे पहले दूसरे चरण में आपको डाइट नहीं मिला तो आप तीसरे चरण में प्राइवेट को लॉक कर दीजिएगा, अन्यथा किस स्थिति में पता लगा प्राइवेट वो नहीं मिले तो फंस जाएंगे, ठीक है। चूंकि आपकी बार बच्चों की भरमार है, टारगेट रखा गया है लगभग 4.5 लाख फॉर्म आपकी बार पड़ेगा, 4.5 लाख नहीं पड़ेगा तो कम से कम ये मानकर चलिएगा कि 4,25,000 फॉर्म से कम नहीं होगा, 3,42,000 अब यही हो गया 18 तारीख तक, ठीक है। 18 अगस्त तक 3,42,000 हो गया है, उसके बाद लगातार फॉर्म पड़ रहे हैं, वेबसाइट समस्या आप देख ही रहे हैं, तो ऐसे में ये टारगेट बड़ा है। मैं आपसे कहूंगा कि मैं मानकर चलता हूं कि आपकी काउंसलिंग जो है 4 चरण में अगर ये करवाते हैं, अगर आपने पहले चरण में डाइट लॉक किया नहीं मिला, दूसरे चरण में डाइट लॉक किया नहीं मिला, तो तीसरे चरण में डाइट के साथ आप 4-5 प्राइवेट भी लॉक कर दीजिएगा, अन्यथा किस दिन पता लगा प्राइवेट वो नहीं पाओगे तो फंस जाओगे, ठीक है। इसलिए इस प्रक्रिया को आप ध्यान रखिएगा, सबको डाइट तो मिलेगा नहीं, सीटें 10,200 हैं, 10,600 हैं, हर कोई चाहता है कि मुझे डाइट ही मिले, ये संभव नहीं है कि सबको डाइट ही मिल जाएगा, ठीक है, इसे भी आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा। चलिए, इतनी चीजें आप समझ गए। आगे हम बात करते हैं रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थी परेशान, आवेदन कैसे करें। देखिए, रिजल्ट को लेकर अगर आप परेशान हैं तो आपको मैंने एक उपाय बताया है। यहां सबसे पहले हम बात करते हैं गेस मार्किंग वाले का फॉर्म होगा रिजल्ट। पहली चीज यार, आप कम से कम उसी चैनल पर विजिट करें जहां आपको लगता है कि यहां से मुझे
ऑथेंटिक जानकारी दी जा रही है। ठीक है, यहां कुछ लोग आपके बीच में हैं जो कह रहे हैं कि जो गेस करके मार्किंग कर दिए उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि फॉर्म किसी का रिजेक्ट नहीं होता है। ठीक है, यह चीज आप एकदम श्योरली नोट कर लीजिएगा कि फॉर्म किसी का रिजेक्ट नहीं होता है। अगर होगा तो आपके विद्यालय से होगा, यानी मैंने आपसे एक गेस करके मार्किंग होता है, मैंने कहा है कि आपका रिजल्ट 31 अगस्त के पहले अगर आ जा रहा है, आपने भले ही गेस करके मार्किंग किया है लेकिन अगर आपका फॉर्म 31 तारीख के पहले आ गया है तो 100% आपका एडमिशन होगा, लेकिन अगर 31 तारीख के बाद 1 सितंबर को आ रहा है तो एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, इसे भी नोट करिएगा। और मैंने आपसे कहा है एक कंडीशंस और होनी चाहिए, जैसे मैं मानता हूं कि आपने गेस करके मार्किंग कर दिया। ठीक है, आपने अगर गेस करके मार्किंग कर दिया है, इस चीज को नोट करिएगा, जैसे मैं मानता हूं कि आपने फॉर्म में जो है 400 नंबर फिल किया है, ठीक, और आपका जो रिजल्ट आया वो 405 नंबर आया, तो ऐसे केस में आपका एडमिशन होगा। अन्यथा एक कंडीशन और होती, जैसे 405 नंबर आ गया तब तो हो जाएगा, लेकिन आपने फॉर्म 400 नंबर फिल किया और यहीं अगर 398 नंबर आ गया या 399 नंबर आ गया तब आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, इस कंडीशन को आप ध्यान रखिएगा। फिर भी मैं कहना चाहूंगा, ठीक है, आपने गेस करके मार्किंग कर दिया कोई बात नहीं, मैं कहना चाहूंगा अगर आपको जहां है, अगर इस पर बिलीव नहीं हो रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है कि यार मैंने गेस करके मार्किंग किया है पता नहीं एडमिशन होगा या नहीं होगा, मैं कहना चाहूंगा आप जहां एडमिशन लेना चाहते हैं जिस विद्यालय में, ठीक है, आप वहां चले जाइए। अभी आपके पास वक्त है, जो है आवेदन दोबारा से कर सकते हैं, आप चले जाइए उस विद्यालय में, उनसे अपनी बात को रखिए कि महोदय मैंने गेस करके मार्किंग किया है क्या आप मेरा एडमिशन ले सकते हैं। अगर वो कहते हैं कि हाँ मैं आपका एडमिशन ले लूंगा तब तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आप दोबारा से आवेदन कर दीजिए, कोई समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है, यह प्रक्रिया आप जरूर अपना लीजिएगा। ठीक है, अगर आप दोबारा से करना नहीं जाना चाहते हैं, अगर दोबारा से करना चाहते हैं तो भैया फीस थोड़ा सा नुकसान होगा, जो जनरल वाले हैं 700-800 रुपये नुकसान जाएगा। बहरहाल यार 700-800 रुपये की बात बड़ी दूर को होती है, 2 साल हमारा जो है हम अच्छे खासे पढ़ाई लिखाई कर लेंगे तो बहुत हमें मिल जाएगा, लेकिन आप 700 का मोहना देख करके जो है अगर आप दोबारा से करना चाहेंगे तो कर लीजिएगा, कोई समस्या आपको उत्पन्न नहीं होगी, यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी, आप करना क्या चाहते हैं, मैंने प्रोसेस आपको बता दिया, अगर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हम एक पॉइंट आपको छोड़ नहीं रहे हैं, सारे फैक्ट से आपको हम रूबरू करा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, इसे तो आपने समझ लिया, यहां हम बात करते हैं रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थी परेशान आवेदन कैसे करें। जैसे जिनके फाइनल ईयर परीक्षा परिणाम नहीं आए हैं उनके लिए खास तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि आप गेस करके, जैसे अगर 31 तारीख तक रिजल्ट नहीं आता है तो आप वैसे भी बाहर हैं, है ना, वैसे भी आप बाहर हैं, आप गेस करके मार्किंग कर दीजिए, खुदा न खास्ता रिजल्ट आ ही जाए, खुदा न खास्ता रिजल्ट आ ही जाए तो हो सकता है आपका एडमिशन हो जाए। ठीक है, अन्यथा अगर आप आवेदन नहीं करते हैं तो आप बाहर हो ही चुके हैं, भैया आप गेस करके मार्किंग कर देते हैं तो हो सकता है पीएनपी की तरफ से कोई नई गाइडलाइंस आ जाए कि जितने लोगों ने आवेदन किया है सबका एडमिशन किया जाए, होगा तो सीटीए बराबर 2,33,000। ठीक है, लेकिन अब 2,33,000 जो है, जैसे 4-4.5 लाख अगर फॉर्म अप्लाई हो रहा है तो 4.5 लाख तो एडमिशन ले ही नहीं लेंगे। ठीक है, उसमें से कुछ छोड़ देंगे, कुछ लोग छोड़ देंगे, कुछ लोग डाइट के चक्कर में होंगे कि हमको डाइट मिलेगा तो करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है, प्राइवेट से नहीं करेंगे, तो ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं, आप आवेदन कर दीजिएगा। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनके मेरिट कम है, 180 है 190 है, वो परेशान है, वो लगातार कह रहे हैं कि भैया हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, मिले या ना मिले वो बात की बात है, लेकिन आपका जो प्रथम कर्तव्य बनता है कम से कम आवेदन तो आप करिए। जैसे अभी हम आपसे कह दें कि आपको नहीं मिलेगा, 190 आपका है, आपको नहीं मिलेगा, यार मेरी बातों में आप मत आइए। ठीक है, मेरी बातों में आप मत आइए, आप आवेदन तो करिए, पहले आवेदन करके काउंसलिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करिए, आए ना मिले या ना मिले वह बात का मैटर होता है। ठीक है, पहले आपकी प्रथम वरीयता है कि आप आवेदन करें, आवेदन करने के बाद जो प्रोसेस होता है पीएनपी का उसमें आप पार्टिसिपेट करें, कॉलेज मिलना ना मिलना ये बात की बात होती है। ठीक है, आप किसी के बहकावे मत आए, हम ही कहें अगर आवेदन मत करिए 190 वाले तो आप मेरी बातों को मत मानिएगा, या कोई भी कहे उसकी बातों को मत मानिएगा, आवेदन आप करिए। ठीक है, मैं यही आपसे कहता हूं, नहीं तो पता लगा अभी एडमिशन 190 वाले किसी का हो जाएगा तो आप कहेंगे कि यार फलाना इंसान मुझे बताया था, उस चैनल से मुझे ये जानकारी मिली थी कि आप आवेदन मत करिए, सारा दारोमदार आप मेरे ऊपर ठोक देंगे और जिंदगी भर मुझे गाली देंगे, इसलिए मैं आपसे कहता हूं मुझे गाली की चिंता नहीं है। ठीक है, मैं मुझे आपकी चिंताएं हैं,
आप आवेदन करिए, आवेदन करने के बाद आप पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। मैं बार बार हर वीडियो में इसी बात का जिक्र करता हूँ। कुछ लोग देख रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि 190 वालों को नहीं मिलेगा, मत करिए आवेदन, लेकिन आप कदापि इस कदम को मत उठाइएगा, ठीक है, आवेदन आप करिए। चलिए, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी यहाँ। अच्छा, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको यार लग रहा है कि हम आपके जो है मदद कर रहे हैं हर तरीके से, तो मैं निवेदन आप सभी से करता हूँ यार कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। यहाँ से आपकी क्लासें भी प्रोवाइड की जाएंगी बेहतरीन तरीके से। अगर आप प्रूफ के तौर पर देखना चाहते हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, प्लेलिस्ट को ओपन करें। अगर समझ में ना आए तो मैं चैलेंज करता हूँ, सब कुछ वापस कर दूंगा, ठीक है, आप से कहिएगा। चलिए, इतनी दावा है मुझे। अब यहां कहा जा रहा है कि क्या फिर से आवेदन की रेट बढ़ेंगे? नहीं, 1% चांसेस नहीं है। अरे, अब की बार नहीं बढ़ी होती, लेकिन दरअसल इसमें बात ऐसी थी कि डेट जो है वेबसाइट नहीं चल रही थी। अब वेबसाइट तो इस समय भी नहीं चल रही, आप कहेंगे फिर से बढ़ेगी, अब की बार चांसेस नहीं है, कतई आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। बार बार यह पूछने का कोई मतलब नहीं निकलता है। आप काउंसलिंग के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे? आवश्यक डॉक्यूमेंट्स पर हालांकि मैंने आपसे बता दिया है, सबसे पहले आपका कॉलेज अलाटमेंट लेटर होगा, आपने जो फॉर्म फिलअप किया है वो स्लिप होगी, हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, प्रोविजनल हो गया, 5-6 फोटो रख लीजिएगा, आधार कार्ड रख लीजिएगा, आय जात निवास रख लीजिएगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, मैं मानकर चलता हूँ कि जैसे आपके पास आय जात निवास नहीं है, अगर आप कैटेगरी का लाभ ले रहे हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना कंपलसरी है, अन्यथा की स्थिति में बाहर कर दिए जाएंगे। अगर आप EWS का लाभ ले रहे हैं तो EWS होना जरूरी है, है ना। अगर जैसे मैं मानकर चलता हूं कि आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट नहीं है, लेकिन नेट वाली तो होगी ही, वो आप ले जाएंगे, उसके बगैर आप बाहर नहीं किए जाएंगे। अब पता लगा ना हमारे पास फोटो कॉपी हो ना हमारे पास ओरिजिनल हो, तो आप बाहर कर दिए जाएंगे। तो ये सारे कंडीशन आप नोट करिएगा, ठीक है। बाकी आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होता चल जाएगा, मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं होता चल जाएगा, प्रोविजनल नहीं होता चल जाएगा, बाकी लेकिन अगर आप कैटेगरी का लाभ ले रहे हैं तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। चलिए, इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप रख लीजिएगा। अब यहाँ 230 और 240 मेरिट वाले डाइट पाएंगे या नहीं पाएंगे, देखिए आपकी बार जिस तरह से आवेदन हो रहे हैं 240 वालों को मुश्किलें लग रहा है, है ना। मैंने आपसे कहा है, कुछ लोग आपको बता रहे हैं कि मिलेगा जो है कम से कम, ये मानकर चलिएगा कि जिनके 260 जो है 250 के ऊपर है, नहीं ऐसा नहीं है, 240 वालों को प्रबल चांसेस हैं कि इनको मिलेगा। लेकिन अगर आपकी रैंक जो है 1 से 12 हज़ार तक आ जाती है, तो चाहे आप 240 में आ रहे हैं चाहे 235 में आ रहे हैं, आपको 100% डायरेक्ट मिलेगा, ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अब पता लगा आप, आपकी मेरिट 140 और आप आ गए जो है 1 से 12 हज़ार वाली रैंक में आप नहीं आए, 12 से 24 हज़ार वाली में आ गए, 12 से 50 हज़ार वाली रैंक में आ गए, तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, ये लोग पूछते हैं कि भैया हमारी 240 है, 235 है, 238 है, क्या हमें मिल जाएगा, तो यार एक एक का रिप्लाई दे पाना मुश्किल हो जाता है, सबको साठ कर एक ही में जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ आगे हम 10,000 का पेमेंट आपको कब करना है, 10,000 का पेमेंट आपको कॉलेज अलाटमेंट के समय करना है, जब आपका कॉलेज अलाटमेंट होने लगेगा उस समय करना है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, आप जिस कॉलेज के लिए 10,000 का पेमेंट कर देंगे उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होगा, ठीक है, और जो कॉलेज काउंसलिंग आपको अलॉट हो जाएगा उसी कॉलेज में आपको जाना है। ऐसा नहीं है जैसे पहले चरण में आपको नहीं मिलता है तो आपको दूसरे चरण में कॉलेज, दूसरे चरण में काउंसलिंग के लिए शिफ्ट कर दिया जाएगा, तीसरे में नहीं मिलता है तो चौथे में आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन आपको जिस चरण में कॉलेज मिल गया उसी चरण में आपको रहना है और उसमें आपको 10,000 का पेमेंट करना है, और पेमेंट नहीं करते हैं तो आपकी सीट वहीं समाप्त कर दी जाएगी, आप आ जाएंगे डायरेक्ट एडमिशन में, अगर लेना है तो लीजिए, सीट खाली, वैसे आपकी बार डायरेक्ट सीट नहीं खाली रहेगी, ऐसे चांसेस जताए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए कतई यह गलती आप मत करिएगा, चूंकि आवेदन ज्यादा हो रहे हैं, प्रबल चांसेस यह है कि डायरेक्ट एडमिशन में 2-4 हज़ार सीटें खाली रहे, तो वही बहुत बड़ी चीज है, खाली रहेंगी। थोड़े से जो आउटर क्षेत्र में कॉलेज आते हैं वहीं आपको जाना पड़ेगा, थोड़े से जो प्रचलित एरिया में आते हैं वहां पर कॉलेज सीटें खाली नहीं रहेंगी, ठीक है। तो ये थी आज की अपडेट्स, आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। हम 20 मिनट आपका भले लेते हैं, लेकिन इसमें आपको सारी जानकारियां समाहित रहती हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। चलिए, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स, धन्यवाद।